राहुल गांधी बनेंगे पीएम, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पर साधी चुप्पी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कही ये बात। लोकसभा चुनाव 2024 का अब सिर्फ एक चरण बाकी है। 19 अप्रैल को शुरू होने वाले इस लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी चरण 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को सभी के सामने होंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चुनाव के दौरान उठाए गए तमाम मुद्दों और चुनाव के नतीजों को लेकर बात। अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है योगी, पीएम मोदी का सपा पर निशाना। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम योगी अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छठे चरण की मतदान ने इंडिया गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब सातवें चरण में इंडिया वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान से बाहर जाकर गिरता है। देश का बाद में पहले अपना सिस्टम ठीक कर ले राहुल गांधी, बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में स्थित कल्कि धाम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पिछड़ों की हालत पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी देश के सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन होगा कि पहले अपना सिस्टम ठीक करें, उसके बाद ही देश का सिस्टम को ठीक करने की बात करें। वोटिंग से पहले हिमाचल में बीजेपी का एक्शन, इन 6 नेताओं को पार्टी से निकाला बाहर। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने 6 पदाधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। इनमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष लोव जंग ग्यालसन, जिला महामंत्री पलजोर छेरिंग, जिला महामंत्री लक्ष्मण ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष शमशेर सिंह, मीडिया प्रभारी पलदन नामग्याल और स्पीति के मंडल महामंत्री सोनम अंगदुई शामिल है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे डॉक्टर रामलाल मारकंडा को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, जाने क्या बोले सपा मुखिया। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बता दिया कितनी वोटों से होगी उनकी जीत। छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान संपन्न हो चुका है। बीजेपी सांसद और उत्तर पूर्व दिल्ली से प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर निशाना साधा। कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से दिल्ली की उत्तर पूर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कल मतदान हो चुका है। सवालों का जवाब देते हुए दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर हमला बोला है। अतीक पर गोलियां, शाहबुद्दीन को ओवैसी, बोले तेजस्वी को छुपी का देना होगा हिसाब। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों में किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो मुस्लिम समाज का हुआ है। क्या लालू यादव का बुलडोजर से घर तोड़ा गया? बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। बीजेपी ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बूथ के अंदर प्रचार सामग्री को लेकर सोमनाथ भारती का आरोप। दिल्ली में शनिवार यानी 25 मई को सभी 7 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने रविवार यानी 26 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने एक बूथ पर बीजेपी की प्रत्याशी सोमनाथ भारती का प्रचार सामग्री मिलने पर चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नियम कानून सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के लिए है। देश में कब लागू होगा UCC? अमित शाह ने कर दिया ऐलान। जाने वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UCC और वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो विचार विमर्श के बाद अगले 5 सालों के भीतर पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने अगले कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लागू करेगी, क्योंकि अब समय आ गया है देश में एक साथ चुनाव कराए जाए। उन्होंने आगे कहा कि एक साथ चुनाव कराने से लागत भी कम होगी।
ये गीदड़ भभकी नहीं चलेगी, इंतजार कीजिए पीएम के बयान पर मनोज झा का पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने पटना में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। मनोज झा ने पीएम के उन बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने 4 जून के बाद तेजस्वी यादव के जेल जाने की बात कही थी। मनोज झा ने कहा कि पीएम गरिमा विहीन होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी पीएम ने इतनी अशोभनीय बातें नहीं कही।